आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो एक 30 इयर्स की लेडी है जिसका नाम निशा है और उसका हस्बैंड और वो बहुत ज़्यादा आपस में प्यार करते थे। उनके दो बच्चे थे, जो निशा थी वो हाउसवाइफ थी और हस्बैंड जॉब करता था और दोनों की लाइफ इतनी अच्छी चल रही थी कि वो उसके लिए इतना इतना सरप्राइज़ करता था। बच्चे सो जाते थे, उसको घुमाने ले जाता था, उसको शॉपिंग कराता था, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था, उसके पलकों पे बिठा के रखता था उसको, अपनी एक एक चीज़ जिसकी डिमांड पूरी करता। एक दिन ऐसा आया कि उसको हस्बैंड को आउट ऑफ स्टेशन किसी बेस्ट फ्रेंड की मैरिज में जाना पड़ा। तो वो वहाँ जाता है तो अगले दिन उसको अपने हस्बैंड की इतनी कमी महसूस होती है। जब वो ऑफिस जाता था उसको प्यार करता, उसको गले लगा के जाता, जब आता कुछ ना कुछ उसके लिए डिनर के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आता, तो उसको 2-3 दिन बहुत बुरा लगा। तो एक दिन वो ऐसे ही खाना बना रही थी, उसको व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, तो वो मैसेज पढ़ती है तो उस मैसेज में उसने लिखा होता है कि जो तुम्हारा हस्बैंड है वो मेरा बॉयफ्रेंड था और हमने 6 साल हमने डेट की, उसने मुझे बहुत प्यार किया, लेकिन अब वो तुम्हारा है, हमारा ब्रेकअप हो गया। तो वो ये सुन के इतना रोती है, अपने कभी बच्चों को देखे, कभी वो खुद को देखे कि जो ये इतना प्यार था वो सब क्या था मेरे लिए, जो मेरे इतने उसने मुझे सपने संजोए, इतना प्यार किया मुझे, ऐसे उससे कोई उम्मीद नहीं थी। वो उसी वक्त अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है और बहुत सुनाती है, उसको कुछ आगे से बोलने नहीं देती और गुस्से में फ़ोन रख देती है। तो फिर वो काम करते करते उसे कुछ चीज़ याद आती है, मार्केट में लेके जाने के लिए वो चीज़ लेने जाती है, तो बहुत रो रही होती है। रोते रोते उसको कुछ समझ नहीं आता और उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है, उसको बहुत इंजरी हो जाती है। लोग उसे फटाफट हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ पे इतना खून बह गया होता है उसके कि उसको उसकी एक टांग तक उसको काटनी पड़ जाती है। तो वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है, कहती है कि मैं उनको ये बात बताऊँ तो सही। फिर वो डॉक्टर से पूछती है कि मेरे हस्बैंड क्या है, उसने कहा कि वही आपको यहाँ पे लेके आए थे, वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे हैं। तो वो अपने हस्बैंड को बुलाती है और उससे बहुत लड़ती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हमारी इतनी अच्छी लाइफ थी, सब कुछ था। तो उसका हस्बैंड पूछता है कि जिस लड़की का व्हाट्सएप पे मैसेज आया था उसका क्या नाम था, तो मुझे बताओ और तुम उससे पूछो। तो वो नेहा नाम की लड़की थी और वो उसको कॉल लगाती है और उससे पूछती है कि कब तक ऐसा हुआ, क्या हुआ। तो वो नेहा लड़की बोलती है कि ये मैसेज आपके लिए तो था ही नहीं, गलती से मेरा जो आपका मोबाइल नंबर था उसमें 99 था और आप में 1 था, मैं सेंड उसको कर रही थी और गलती से आपको हो गया। तो उसको अपनी गलती का इतना पछतावा होता है कि काश मैं पहले इस चीज़ को देखती, अपने पति को बुरा भला कहा, मैंने उसे इतनी गालियाँ सुनाई, इससे अच्छा था पहले सोचती। तो आजकल की लड़कियों में जो इतना गुस्सा है, जॉइंट फैमिली भी है, हस्बैंड वाइफ भी है, कोई भी यदि ऐसी सिचुएशन आए पहले उसको 10 बार सोचो, उसके बाद रिएक्ट करो और उसके बाद ये सब एक्शन लेना चाहिए। तो अपने आप को, यदि आपको अपने परिवार को बनाना है, हस्बैंड वाइफ की लाइफ लॉन्ग लाइफ चलाना है और अपने जॉइंट फैमिली को आगे बढ़ाना है, तो पहले उस चीज़ को सोचो, समझो और उसके बाद कोई रिएक्शन लो। और यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।